अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने रजनीकांत से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के बाद सियासत गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में इन दोनों के एक साथ आने की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। हालांकि कमल हासन ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया। हासन ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, राजनीतिक बैठक नहीं। मैं उनको अपने राजनीतिक दौरों के बारे में बताने गया था, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए कमल हासन ने कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि गठबंधन होगा या नहीं। ये मौका भविष्य में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद आ सकता है। मुलाकात के बाद रजनीकांत ने कहा कि वो तमिलनाडु की जनता की सेवा करना चाहते हैं। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने काम में सफलता हासिल करें। गठबंधन के सवाल पर रजनीकांत ने कहा, उनकी और मेरी काम करने की शैली अलग अलग है, यहाँ तक कि फिल्मों में भी हमारी अलग अलग शैली है। रजनीकांत ने कहा कि कमल हासन ने प्रसिद्धि या पैसे के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं किया है, वो राजनीति में आकर राज्यों के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।